नमस्कार, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीबडी। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं मेरे लिए। हर पिता माता के लिए एक अनुभव या जीवन में एक इच्छा होती है कि उन्हें उनके पुत्र या पुत्री के नाम से जाना चाहे। और आज जो मेरे साथ हैं डॉक्टर आलोक एंड डॉक्टर नीरज सिंगला, प्राउड पेरेंट्स ऑफ गामिनी सिंगला, ऑल इंडिया रैंक 3 IAS। और बार बार हमारे पास रिक्वेस्ट आती रही कि IAS के जो विद्यार्थी हैं वो कैसे शिक्षा करें और ऐसा कोई इंटरव्यू करें कि कैसे अपने बच्चों को IAS बनाएं या IAS क्लियर करें या रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग इन IAS ऑफिसर्स। ठीक है, अ वेरी वॉर्म वेलकम सर। थैंक यू मैम, अ वेरी वॉर्म वेलकम। थैंक यू मैम। ये हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है कि कैसे मैं आपको मिला और कैसे एक बार OPD में मैं आपको प्यारी सी कहानी बताता हूँ। मेरे को ये रील बनाने का बड़ा ही इच्छा थी कि मैं एक रील बनाऊं कि एक ऐसी घटना मेरे साथ घटित हुई कि जिसको मैं सबके साथ एक मिराकल से कम नहीं मानता हूं। एक बार OPD में डॉक्टर आलोक सर और मैम आई और जैसे किसी साधारण पेशेंट की तरह, परंतु स्वयं सर भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, पंजाब के आनंदपुर साहिब या हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैम भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। तो सर के हाथ में दर्द था शायद, तो मैंने सर से पूछा कि सर क्या हुआ आपको, तो सर ने कहा मेरे हाथ में दर्द है। तो सर ने कहा कि मैं नोट्स बनाता हूँ अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा सर आपकी बेटी कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही है? तो सर ने कहा कि वो UPSC का पेपर देने दिल्ली में आए हुए हैं। तो ऐसे ही बात ख़त्म होने के बाद मेरे को लगा कि हाँ, कितने लोग IAS की तैयारी करते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि सबका होता हो। परंतु मैंने सर से एक बड़ी सुंदर वार्तालाप ख़त्म करने के बाद ये कहा कि सर अगर हो जाए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और साथ में MBBS के कुछ बच्चे हमारे साथ खड़े थे जो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं इन क्लिनिक्स। तो जब IAS का रिज़ल्ट आया, मेरे से बिल्कुल बात चली गई थी, तो सुबह मेरे को याद आया कि यार डॉक्टर साहब का क्या रहा। और इससे पहले मैं डॉक्टर साहब को मैसेज करता, डॉक्टर साहब का खुद मेरे पास मैसेज आया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑल इंडिया रैंक 3 गामिनी सिंगला, डॉटर ऑफ डॉक्टर आलोक एंड मिसेस नीरज सिंगला जी। सर तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? वी आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड फीलिंग ब्लेस्ड, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, और ऐसी खुशी हम सबके चेहरों पे देखना चाहते हैं, सभी पेरेंट्स के। तो रियली थैंकफुल टू गॉड। सर आपने कभी सोचा था कि इस टाइम पे सेलेक्ट हो जाएंगी बेटी या नहीं हो जाएगी? सोच से इच्छा तो हर पेरेंट करते हैं, चाहते भी हैं, बट क्योंकि ये इट्स ऑल इन द फ्यूचर अनसर्टेनिटी, तो विद टाइम ही रिवील होता है, तो कह नहीं सकते होते कई बार। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए कि बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ प्राउड डॉक्टर, मैम एक आप भी एक डॉक्टर हैं, सो आप लोग मैम कौन से मेडिकल कॉलेज से हैं और कौन सा बैच है, कैसे आपने स्टार्ट किया? हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला के ग्रेजुएट्स हैं, दोनों बैचमेट्स हैं। उसके बाद हमने मतलब अपनी ग्रेजुएशन के बाद हमारे को हिमाचल में सर्व करने का मौका मिला, हिमाचल स्टेट सर्विसेज में। वी बोथ आर मेडिकल ऑफिसर सिंस नियरली 25 ईयर्स। हाँ जी, एंड वी हैव गिवन अवर सर्विसेज इन रूरल एरियाज मोस्टली, रूरल बैकवर्ड एरियाज और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर मोस्टली। एंड नाउ वी आर पोस्टेड नियर श्री नैना देवी जी मंदिर, वहाँ की जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में डिफरेंट PSCs में हम सर्विसेज दे रहे हैं। सर रूरल लोगों की सेवा करके मेरे को लगता है शायद वही जो फल है उन गरीब लोगों का, एक रूरल एरिया का, वही आशीर्वादों में पनप के बाहर आया है। तो सर कितने आपके बच्चे हैं? वी हैव 2 kids, बड़ी बेटी गामनी है और छोटा बेटा मेरा तुषार है, उसने भी IIT खड़गपुर से ही इज़ पास्ड आउट, और आजकल वो सिस्को कंपनी है एक MNC, तो ही इज़ वर्किंग इन दैट। सर तो कैसे आपने मतलब सबसे पहले गामिनी बेटी जो आपकी IAS रैंक 3 आई है, तो आपने कैसे पहले प्रेरित किया, किसका आइडिया था कि बिटिया को IAS करवाना है, उसका खुद का निर्णय था या आपका था? एक्चुअली ये ऐसा था कि घर में थोड़ी बात तो होती थी, आई वॉज ऑलवेज ड्रीमिंग के भी हमारे घर में कोई IAS होना चाहिए, इवन आई वॉज एस्पायरिंग इन माई टाइम। तो किसी किन्हीं वजह से तो मुझे मिडवे थोड़ा ट्रैक चेंज करना पड़ा अपना, तो बच्चे सुनते भी थे देखते भी थे, एंड इतना तो था कि IAS डेफिनेटली ऑल फील्ड से बेटर है, ऐसा नहीं कि कोई फील्ड कम है या कोई ज़्यादा है, बट डाइवर्सिटी IAS वाले फील्ड में कहीं ज़्यादा है। उसमें रहते हुए आप बहुत लोगों को टच कर सकते हैं, उनकी लाइफ में यू कैन मैटर अ लॉट, तो अपने लिए भी वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपके जिसको आप सर्व करना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
तो उसके लिए हम बच्चों को कहते रहते हैं कि भाई अगर आप करना चाहते हो तो आपको देखिए, बट वी नेवर प्रेशराइज देम. ये वी आर वेरी लकी इन दैट कि हमने उनको रास्ता बताया जरूर, दिखाया जरूर, बट दे हैव एक्सप्लोर्ड ऑफ देयर ओन. थोड़ा सा उन्होंने अपनी तरफ से देखा, उनको कहा कि आप इस फील्ड को भी करिए. जैसे मेरी बेटी ने नॉन मेडिकल किया था पैक चंडीगढ़ से, तो उसके थ्रू उसको जेपी मॉर्गन में एक कंपनी में इंटर्नशिप में ऑफर हुई. तो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी के टू सी एंड एक्सप्लोर कॉरपोरेट सेक्टर. तो हमने उसको पूरा टाइम दिया कि आप अपने हिसाब से देखो कि यू वांट टू गो कॉरपोरेट सेक्टर और आप के आप इस तरफ जाना चाहते हो इस फील्ड में. तो शी टुक हर टाइम, वहाँ पे उसने एक्सप्लोर किया, सारे लोगों से बात करी, एक बार डिसाइड भी किया कि नहीं कॉरपोरेट सेक्टर भी बढ़िया लग रहा है. तो आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम तो शी अगेन रिवर्टेड के नहीं भी, आई एम पीपल्स पर्सन, मुझे आनंद आता है कि लोगों के साथ काम करके बात करके. तो उस हिसाब से देन शी मेड अप हर माइंड. तो सर आप ये कह रहे हैं कि आपने बचपन से स्कूल लेवल से पाँचवीं छठी क्लास से आईएएस की तैयारी बिल्कुल नहीं करवाई है? नॉट एट ऑल. अच्छा, बट मैं ये कहूँगा कि आईएएस की कोई तैयारी नहीं होती है, कोई तैयारी किसी को कराने की ज़रूरत नहीं होती है. अगर डे टू डे में हम देखें कि होना क्या चाहिए, तो अपने आप ही आईएएस में कोई 30 मार्क खां या कोई आउट ऑफ द प्लेनेट नहीं आता कोई. द ओनली थिंग इज़ कि दे टेस्ट योर ओवरऑल एबिलिटी टू हैंडल एवरी थिंग राइट फ्रॉम योर नॉलेज एंड प्रेशर हैंडलिंग. तो वो डेली बिल्डअप होती है, कोई उसके लिए मैं समझता नहीं कि पाँचवीं से या थर्ड से या सेवन्थ या टेंथ से उसको कोई पुश किया जाना चाहिए. सर क्योंकि जब मैंने अपनी ऑडियंस को बताया कि हम किन को इंटरव्यू करने वाले हैं, तो मेरे पास जो सवाल आए वो ये आए कि अपने बच्चे को पाँचवीं क्लास से ही कैसे आईएएस की तरफ झोंक दें, या उसका रुझान कैसे बढ़ाएँ, या दसवीं क्लास से कैसे ही करें. जैसे मेडिकल वगैरह के सवाल लोग कोरर पर ज़्यादा पूछते हैं, तो मुझे लगा कि सर आपने क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 3 आया है, तो आपने भी बचपन से यही कह दिया होगा कि एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा बुल्स आई आईएएस. नॉट एट ऑल, मैं इससे बिल्कुल डिफर करता हूँ. ना ये ठीक स्ट्रेटजी है. तो अगर हम देखें उसका, तो जो बच्चों को वो हायर लेवल चाहते हैं एग्ज़ाम में, सपोज करो वो उनको उसका बेस बनता है एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी जो है दैट इज़ फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स. तो एनसीईआरटीज 6th ऑनवर्ड्स भी जब पढ़ते हैं बच्चे, तो दैट डज नॉट मीन के आईएएस इज आस्किंग अबाउट एनसीईआरटी. एनसीईआरटी मेक्स ओनली बेस. और आप तो यू आर बीइंग ए डॉक्टर, यू नो कि एवरी स्टेज पे बच्चे का माइंड डेवलप होता है, ब्रेन ग्रो लेकिन करता है अपने 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 अलग अलग डाइवर्स एक्सपीरियंसेस से. तो वो कोई उसमें अगर हम आप इंस्टिल कर दें कोई बाकी फील्ड्स की तरह कि कोई कहीं क्वांटम ऑफ नॉलेज है, आईएएस नेवर टेस्ट क्वांटम ऑफ नॉलेज. वो टेस्ट करता है क्वालिटी ऑफ नॉलेज, आपका इंटरेस्ट, आपकी डेप्थ और आपकी हैंडलिंग कैपेसिटी. तभी कोचिंग क्लासेस आजकल ज़्यादा खुश नहीं हैं, और यूपीएससी ने करा हुआ है कि वो कोचिंग क्लासेस को नहीं हो चलने देगा. और यही कारण और यही वजह है कि आजकल बच्चे कोचिंग भी जा रहे हैं बट उतना सक्सेस रेट नहीं है जितना कि दूसरे फील्ड्स का है. तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्कूल टाइम पे हाउ वाज योर डॉटर, आई मीन एक रेगुलर स्टूडेंट थी? क्योंकि अभी क्या चल रहा है सर, सोशल मीडिया पे एक आईएएस ऑफिसर ने अपनी 10th की मार्कशीट शेयर करी है, इसमें उनके जो ग्रेड्स हैं काफ़ी उच्चतम नहीं है. आई सॉ इट, थर्ड बल्कि थर्ड उसमें उन्होंने दिखाया था. परंतु सर जैसे कई बार क्या होता है माता पिता ओनर को पहचान लेते हैं, तो क्या गामिनी बचपन में कैसी थी, हाउ वाज शी इन द स्कूल? मैं यही कहूँगा कि शी वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट, बट वो हमेशा स्ट्राइव करती थी बेस्ट बनने की. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आ जाती थी. तो आम बच्चे भी हर तरह के वैसे ही एक बच्चा था, और इसको हर तरह की एक्टिविटीज़ में भाग लेना अच्छा लगता था. तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कोई लेके वो करता है बच्चा या उसने किया, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी मेहनत और सिंसेरिटी ज़रूर है, उसकी फैमिली के प्रति भी, लोगों के प्रति भी. ये उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं विच मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से उसको ब्लेसिंग मिली है. वो उसके हमेशा मार्क्स है वो बढ़िया ब्रिलियंट ही रही है, 90-95% तक की मार्क्स रहे हैं उसके. मतलब पढ़ती तो काफ़ी मेहनत ही काफ़ी थी शुरू से ही, काफ़ी मेहनत करती है एक ही चीज़ को. मतलब वो काफ़ी देर तक सस्टेनेबली पढ़ सकती है, मतलब उसका ये हार्ड वर्किंग बहुत. मैम आपने 12th के बाद सर, बिकॉज नॉर्मली डॉक्टर पेरेंट्स में ट्रेंड होता है कि बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है, तो सर बिकॉज आपने बताया कि आपकी डॉटर और दोनों सन
जो है मेडिकल नहीं है ना, तो आपने मतलब उनको क्या ग्रेजुएशन करवाई, मेडिकल फील्ड की तरफ नहीं भेजा आपने उन्हें? नहीं, तो उस वक्त हमने थोड़ा सा हुई हमारे घर में कि कैसे होना चाहिए क्या नहीं, बट वी वर ऑफ द पॉइंट के मेडिकल भी अच्छा फील्ड है नो डाउट, बट अगर आपने डाइवर्स फील्ड को ट्राई करना है और चुनना है तो मेडिकल में ऑप्शंस बहुत कम रह जाती हैं। तो अब चॉइस थी कि या नॉन मेडिकल या लॉ या फिर बीए आर्ट्स। तो आर्ट्स बीइंग पेरेंट्स कई बार हम ये सोच लेते हैं कि थोड़ा ज़्यादा डाइसी हो जाएगा, तो वी वॉन्टेड देम टू परस्यू साइंस, तो लॉ उसमें थोड़ा सा बाहर चला गया। तो साइंस में फिर हमारे पास रहेगी चॉइस कि नॉन मेडिकल, और नॉन मेडिकल में ये देखा गया है कि इसमें जितनी भी इनपुट डाल लो उतनी आउटपुट आपको मिल जाती है, जो कि मेडिकल में कई बार हम देखते हैं ऑल और नन प्रोसेस है, इधर आप चले गए नहीं तो बैठे रहिए, फिर एमडी में जाइए नहीं तो बाहर हैं, डीएम में चले गई नहीं तो आप बाहर हैं। बट नॉन मेडिकल में मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी कि जिस टाइप का भी आप मेहनत करेंगे उस टाइप के कॉलेज में आप जा सकते हैं, उस टाइप की आपको ब्रांच मिल जाएगी, और वहाँ से फिर आपके पास स्कोप रहता है कि अपनी मेहनत को कर लीजिए। तो आप यू कैन गिव मैनी टेक्स देयर बट नॉट इन मेडिकल। तो इंटरेस्ट भी बच्चों का मेडिकल में तरफ में नहीं था, और हमारा भी ये था कि ठीक है डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करो, हमने कोई प्रेशराइज नहीं किया, तो दे ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बिल्कुल, आपने अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करा है ना। पर एक बात सर आपने कही कि बच्चे कैसे ग्रेटर इम्पैक्ट इन द सोसाइटी बनाएं, तो इसकी एक डिमांड मेडिकल डॉक्टर्स की ये भी चल रही है कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज होनी भी चाहिए है ना, तो एक डिबेट चल रहा है, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा परंतु ये बता रहा हूँ कि एक डिमांड साइड बाय साइड, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे जो मेडिकल करना चाहते हैं वे सोचते हैं कि एक सोसाइटी में ग्रेटर इम्पैक्ट जैसे करें तो कैसे करें, तो शायद सर एक ऐसी डिमांड चल भी रही है। परंतु कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सर, तो सर ग्रेजुएशन किस में करी आपकी डॉटर ने? उसने की है नॉन मेडिकल में, पैक कंप्यूटर पैक कॉलेज है चंडीगढ़ में, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ से उन्होंने कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएशन करी। तो ग्रेजुएशन करने तक उनका कोई ऐसी रुचि नहीं थी कि उन्हें आईएएस की तरफ जाना है? ये भी एक थोड़ा सा बस थोड़ी सी मुझे स्टोरी ही सुनाने की पड़ेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल, हम सुनना चाहते हैं आज कि जब कॉलेज में गई पैक कॉलेज में, तो एज यूजुअल वी ऑलवेज इनकरेज देम टू टेक पार्ट इन कोकरिकुलर एक्टिविटीज, और वो है भी इस टाइप की जोली लड़की है, सबसे इंजॉय करती है, तो कुछ उसने सोसाइटीज़ ज्वाइन कर ली, डिबेटिंग एंड अदर सोसाइटीज़। तो वहाँ से वापस आके जब वो मेरे पास एक दो बार बात बताई कि पापा यार वहाँ के दिल्ली चंडीगढ़ के बच्चे तो बड़े हाई होते हैं, उनकी बातें होती हैं ऊपर से निकल जाती हैं, तो आई फेल्ट बैड एट दैट डे कि नहीं बेटा ऐसा भी क्या बात होगी, तो कुछ नहीं होता। तो जब मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया तो मुझे समझ में आ गया कि द ओनली थिंग इज़ कि शी इज़ नॉट एक्सपोज टू नॉलेज, और बाई चांस कुछ मेरा इशू चल रहा था, कोई ट्रांसफ़र इशू था, डोडरा कबार डिफ़िकल्टी रही, और मैं उसमें थोड़ा टाइम ले रहा था ज्वाइन करने में, मुझे कुछ बीमार का मेडिकल का था, तो आई वॉज फ्री। तो लकीली इट वॉज कॉल ऑफ डेस्टिनी कि मैं क्या चल बेटे आओ हम देखते हैं, और मैंने उसको मेरे पास, मेरे को शौक था थोड़ा नॉलेज की बुक्स का, आई हैड मनोरमा ईयर बुक। अच्छा, तो मैं कहा बेटा आपको ये चीज़ें पता नहीं पता, तो आई मार्क सम पेजेस, तो ये आप पढ़िए ये पढ़िए, 10-12 टॉपिक्स मैंने मार्क किए कि आप एक बार इसको रीडिंग दे लो, फिर वी विल डिस्कस, के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको और बताऊंगा कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। दैट वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट। 2015 की बात है ये। अच्छा, वो नॉलेज वहाँ से थोड़ा पिकअप की, फिर मैंने कहा न्यूज़पेपर देखो, डिस्कस करो कि क्या चीज़ नहीं पता। मैं क्या ये मत समझो कि उनको पता है तो आपको नहीं पता होगा, एवरीथिंग कैन बी लर्नड। तो मेरा यही मैसेज रहेगा फॉर एवरी पेरेंट फॉर एवरी चाइल्ड कि कोई इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वेयर, द ओनली थिंग इज़ कि आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। नॉलेज कैन बी गेंड, आप लीजिए तो सही, कौन सा रिसोर्स आज की ज़िंदगी में डिजिटली एवरी थिंग इज़ अवेलेबल। और आगे डिस्कशन में आएगा अगर, तो मेरी बेटी ने, शी हैज़न्ट टेकन एनी कोचिंग। अच्छा, कोई भी कोचिंग? शी हैज़न्ट टेकन एनी कोचिंग, वी मेड अ टीम एट होम ओनली, वी डिस्कस द टॉपिक्स, तो हम उसको, मैं न्यूज़पेपर्स उसके मार्क कर देता था, मुझे शौक था, मैंने उसकी बुक्स खुद पढ़ी हैं, कुछ NCERTs की मैंने पढ़ ली थी, मैंने उसकी कुछ जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं वो पढ़ ली थी कुछ, और मुझे शौक था, तो मैं उसके नॉलेज के बेस पे उसके न्यूज़पेपर हिंदू आई यूज़ टू रीड, तो हमने कभी ज़िंदगी में हिंदू पढ़ा नहीं था, तो लगवाया स्पेशली, हिंदू वाज़ नॉट अवेलेबल, तो स्पेशल कह के मंगवाया। अटेम्प्ट में हमारी जो गलतियां थी
उसका भी एक ये पार्ट है कि हम उस हिंदू को ऑनलाइन पढ़ते थे, वो जब हिंदू को वो ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा नहीं है तो फिर नेक्स्ट टाइम में हमने फिर उसको हिंदू को किसी भी तरीके से फिजिकली अवेलेबल करवाया। छोटे जगह में थोड़ा कई बार दिक्कत हो जाती है तो, बट लेकिन लगवाया, फिर मंगवाया। तो वो एक दिन लेट आता है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, अच्छा, फिर वो टाइम से रात हो जाता है, आता लेट था। तो आई यूज टू कैरी इट अलॉन्ग विद, और अब जॉब से वापस आके तो फिर उसका मेरे को प्रेशर होता था, पापा आपने ये काम किया नहीं आज, मार करना होता था। तो डरता मैं था, अच्छा पेरेंट मैं हूँ, बेटा बच्चा वो है, डरता मैं था कि मैंने काम नहीं किया। तो सेकेंड अटेम्प्ट के और फर्स्ट के वक्त एक मैं ऑनलाइन डेली न्यूज एनालिसिस देख के उसको डालता था। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आप सिर्फ द हिंदू जो है ऑनलाइन पढ़ते थे, तो आपको लगा कि ये एक सिर्फ आपकी कमी रही क्योंकि फिजिकल न्यूज़पेपर आपको अगर होता तो ज्यादा लाभ लगता थोड़ा। हाँ, फिजिकल ही चाहिए न्यूज़पेपर, क्योंकि हर एक बंदा अपना अपना होता है। हाँ। वो इस तरीके का बच्चा था कि फिजिकली किसी चीज़ को, नोट्स को भी ऑनलाइन पढ़ के अकेले इतनी खुश नहीं होती थी, कंप्यूटर पे पढ़ के नहीं खुश हाँ। होती थी कि हाँ बुक पेन एंड पेपर बच्चा था, तो उसने इसलिए फिर वो मैम नो डाउट पेन एंड पेपर का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, डेप्थ में नहीं हो पाता था उसमें ऑनलाइन में कई बार। तो सर आप जैसे न्यूज़पेपर आपने बताया, क्योंकि न्यूज़पेपर के ऊपर भी काफ़ी सवाल आए हैं पर आप मेरे को आंसर कर रहे हैं, तो सर न्यूज़पेपर को आप कैसे मार्क करते थे? आप उसमें क्या बॉलीवुड वाले पेज निकालते थे, स्पोर्ट्स वाले निकालते थे, या कैसे करते थे, या उसमें आप बॉक्स बनाते थे, स्टार बनाते थे, क्या करते थे? देखिए ऐसा है कि इसका बड़ा वास्ट है सिलेबस सिविल सर्विसेज का। हाँ, तो एक तो थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया होना चाहिए हमें, डाइवर्स फील्ड्स का होना चाहिए, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, स्पेस है, टेक्नोलॉजी है। तो आई न्यू कि ये टॉपिक्स यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो आई यूज़ टू रीड द न्यूज़पेपर, स्किप द पॉलिटिकल न्यूज़, उसमें अगर कोई आर्टिकल जल्दी से स्किप देख लिया मैंने, बट जो इन टाइप की न्यूज़ को होती थी विच आई हैव सेट, तो उस को भी रीड करके उसमें से भी वो चीज़ें जो बुक्स में नहीं होती हैं। तो क्वेश्चंस यूपीएससी हमेशा ऐसा बनाता है कि आपको थॉरो नॉलेज हो, तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज, उसकी एप्लीकेशन। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल नहीं पूछेगा, तो उसकी आर्टिकल की एप्लीकेशन पूछेगा, या इसमें ये हो सकता है कि नहीं, ये चीज़ है, कब हुआ था। अब जैसे गवर्नर के हमारे कई चांस हो चुके हैं अलग अलग जगह पे स्टेट्स में, कि गवर्नर की पावर्स थी कि किसको बुला लिया, किसको नहीं बुला लिया, तो उस पर आर्टिकल आता रहता है। कभी वो लोग तो पढ़ेंगे पॉलिटिकल न्यूज़, कौन सी पार्टी ने इतने खरीद लिए, कितने कर दिए। सो माई फोकस वुड बी कि वट वुड द गवर्नर डू, हाउ कुड ही डू, उसको पावर्स क्या हैं भाई, उनको क्या क्लॉजेस अलाउ करती हैं ये चीज़ करने के, ही इज़ नॉट बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मार्क करते थे, तो वो प्रीलिम्स में भी काम आती हैं। आप उसको ऐसे स्पीकर के कई आए हैं, प्रॉब्लम्स कई जगह आई थी स्पीकर की पावर्स को लेके, तो वो स्पीकर की तो वो आप कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में, सो दैट मेक्स योर आंसर इनोवेटिव। अच्छा, वो हालांकि ये चीज़ें तो मैं बड़ी रॉ और बड़ी सिंपल लेवल की बता रहा हूँ, उसमें कई केस स्टडीज़ आ जाती हैं कि जी हरियाणा के या किसी और जगह के डेप्टी कमिश्नर ने ये इनिशिएटिव लिया। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। एक तो आपने, अगर आपने आईएएस बनना है तो आपको भी उसकी इतना सोचना पड़ेगा कि आप सोसाइटी में इम्पैक्ट कैसे डाल सकते हो। तो वो पॉइंट आप मेंस में भी कहीं अगर डालते हो, एथिक्स का पेपर है, तो अगर आप उसमें कहीं कोट करते हैं कोई केस स्टडी, तो इट शोज कि आपको बेंट ऑफ माइंड उस तरफ है। एंड सेकेंडली इन द इंटरव्यू ऑल्सो, अगर आप ऐसी चीज़ कोट कर पाते हो, वो कहते हैं, हम कई बार कहते हैं जी ऑनेस्टी, बुकिश वर्ड्स लगते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो अगर आप उसका वो आपको काउंटर क्वेश्चन करें, आपने देखा किसी में, कहाँ देखा आपने ऐसे, इफ़ यू आर एबल टू कोट कि फलाने फलाने जगह पे वो डीसी मैडम ने, सर ने ऐसी बात करी विच मेड मी हैप्पी, तो देन दे कैन नो कि आपको रियल उस चीज़ की वैल्यू है। तो दिस वुड वॉज माई फोकस कि मैं उसको ऐसी चीज़ें भी मार्क करता रहूँ, उसका अपना भी ऐसा बेंट ऑफ माइंड है। तो एक कई बार तो ऐसा होता था कि शी वुड, मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि पेरेंट वो बच्चा वो था, पेरेंट मैं था, उल्टा होता था, तो मेरे को डराई थी कि आपने ये नहीं मार्क किया। फिर उसके बाद वो क्या करते थे, जो पॉइंट्स मार्क किए होते थे वो उनकी एडिशन शायद उन्हीं स्टैटिक वाले पोर्शंस में आगे कर लेती थी अपने नोट्स में, कि उन न्यूज़पेपर्स को उसने दोबारा नहीं मतलब रखा कि बार बार वहाँ से ही पढ़ना है, वहाँ से वो पॉइंट्स उठा के अपने नोट्स बना लेती थी। अच्छा सर, जो मार्क करते थे उसमें जो बेस्ट पॉइंट लगते थे उनका अलग से वो नोट्स भी बनाते थे, जहाँ जहाँ वो रेलेवेंट है। क्यों
कि मेहनत वो करती थी अच्छा, ना हाँ, कि वहाँ से वो पॉइंट उठा के ऐसे थोड़ी कि दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएगी, वहाँ अपने नोट्स में या फिर जो भी उसके करंट में है वहाँ डाल दिए वो पॉइंट। जैसे मैंने आज न्यूज़पेपर सारा दिन लगा के किया, इंटरव्यू के वक्त मुझे 3 न्यूज़पेपर्स करने होते थे, तो प्रीलिम्स के वक्त हम एक पे ही हमने डिपेंड किया, एक और एक डेली न्यूज़ एनालिसिस पे। इंटरव्यू के टाइम पे आप 3 न्यूज़पेपर, कौन सा? द हिंदू के अलावा कौन कौन सा? एक इंडियन एक्सप्रेस और एक वो, क्योंकि रीजनल न्यूज़ पढ़नी होती है तो मैंने द ट्रिब्यून लगवाया था। द ट्रिब्यून, तो उस वक्त मैं एक स्टोरी सिंपल सी है, ही इज़ अ विटनेस कि हम कहीं घूमने जा रहे थे और उसका फ़ोन आ रहा है मुझे, पापा ये आपने कैसे मार्क किया, आपने वो आर्टिकल छोड़ दिया। अच्छा, तो अपना मैगजीन पढ़ने लग गए, हमें फोन आया, हम दोनों सैर करने के लिए 5 मिनट के लिए गए, वो भी इनकी सर्वाइकल हो गई थी, बहुत शोल्डर वाला, तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं, वहाँ इसका फोन आता है, पापा आपने ये कैसे क्वेश्चन पेपर मार किया, न्यूज़पेपर, मैं क्या बेटा वो ये पॉइंट छोड़ गया, आप ना कुछ और पढ़ने लग जाते हो चीजें, तभी आपके पॉइंट्स छूटते हैं, पापा कहते हैं यार दूसरे, मैंने कहा भी मैं दूसरे न्यूज़पेपर में मार्क कर दिया था इसलिए मैंने दोबारा से री मार्क नहीं किया, तीनों चेक कर लिए, आप यार गलत हो, आप आगे से ध्यान से न्यूज़पेपर मार्क किया करो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं घर आओ नहीं तो मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। मैंने कहा नहीं चलो मान लो, मैंने कहा चलो मान लो। तो इसमें दो बातें समझ में आई मुझे, एक तो सर इंटरव्यू और सिलेक्शन से पहले बेटी आपको बताती थी, अब बेटी आईएएस बन गई है, अब पापा आप उनको फ़ोन करना और आप बताना कि आपने इसका ये नहीं करा उसका वो नहीं करा। बट मेरे को जो मोटा मोटा ये समझ में आया है कि न्यूज़पेपर रीडिंग तो सब करते हैं, और कई बार क्या होता है अखबार पढ़ने में लोग गॉसिप्स में घुस जाते हैं जैसे, yes. है ना, तो सर ने जो आइडिया मुझे बताया कि गॉसिप में ना जाके पॉलिटिकल न्यूज़ की, जैसे अगर कमिश्नर का रोल बताया या पार्टी के एमएलएस खरीद फरोख का बताया, उसमें पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और जो लीगल एप्लीकेशंस हैं और जो नॉलेज वाला पार्ट है, इकोनॉमी है रोल, हाँ इकोनॉमी, जो बिहाइंड द थिंग जो एप्लीकेशन है वो वाली चीज़, और पॉलिटिक्स की जो गॉसिप और कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वो हटा के माइनस करके सोचने का जो आपने सर रोल बताया, आई थिंक सर वो काफ़ी आपकी जो रीजनिंग थी उसमें मेरे को काफ़ी बिल्कुल। तो जैसे मैं आपकी बात को सप्लीमेंट करता हूँ सर, कि जैसे कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर गए तो पॉलिटिकल न्यूज़ वो भी इम्पोर्टेंट होती है, सब कुछ है तो आगे होता है कि कहाँ गए हैं, तो उस प्लेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना होता है, वो प्लेस कहाँ पे है, उसकी वैल्यू क्या है, G20 ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ गए, कौन आज की डेट में मेंबर है, कौन आज की डेट में नई मेंबर है, किसका क्या स्टैंस है, या कौन सी जगह पे उन्होंने वेन्यू, कौन सी जगह पे है, क्यों वो चुना जा रहा है। अच्छा, तो वेन्यू भी, अगर कोई वाइल्ड लाइफ की बात आ रही है किसी न्यूज़पेपर में तो किसी पता नहीं कितने ही सेंचुरीज हैं, तो वो सेंचुरीज को आपको मार्क करना है, तो उसमें कोई स्पेशल स्पीशीज का नाम मेंशनड है विच इज एंडेंजर्ड, तो वो वहाँ से पिक करता है UPSC, या वहाँ से कोई रिवर पास कर रही है, तो वो कहीं आपको बुक्स में पढ़ने लग जाओ तो समुंदर है। तो अगर आपके लास्ट 2 ईयर्स एटलीस्ट, अगर वो लास्ट 2 ईयर्स आपने न्यूज़पेपर से आपने करी हुई है, उनको जरूर आपने एक स्टेप फर्दर भी जाना है, कि ये नहीं कि जो न्यूज़पेपर दिए वहाँ, तो जो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें लगा कि वो भी गलती है, तो उसको भी एक स्टेप जाके थोड़ा गूगल करके उसको भी एक दो स्टेप्स आप एक्सप्लोर करिए, बी एन एक्सप्लोरेंट, जस्ट नॉट के प्रेस। तभी मैं आपको कह रहा था कि कोई 5th से IAS की पढ़ाई नहीं करा सकता, 12th में नहीं करा सकता, बच्चा खुद ही बन सकता है IAS, कोई दूसरा उसको नहीं बना सकता। जैसे कोई चीज़ नहीं समझ आई या उसको लगता था कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो जितना पढ़ा उसमें से नहीं है, वो वहाँ पॉइंट नहीं वो छोड़ती थी सेकंड अटेम्प्ट में, एटलीस्ट फर्स्ट में शायद वही रहा कि वो जहाँ तक जितना पढ़ा उतना पढ़ लिया, पर सेकंड में उसने ये किया कि उसमें कुछ और भी आ गया तो उसको फटाफट गूगल करके कि उसको काम पूरा करके सोच के कि इसका क्या है, उसको अपनी उसी वाली कॉपी में लिख के फिर सांस लिया कि उस पार्ट को ख़त्म किया, तब अगला। अपने वो जो नोट्स बनाते थे तो जो ये नहीं है कि उसी न्यूज़पेपर के 10 बार मार्किंग होगी तो हर बार नोट करें, नो उसमें अगर उसको कोई जो उसने ऑलरेडी नोट कर लिया अपना कोई एक बना लिया कि मैं भाई अगर शी न्यू द सिलेबस, शी न्यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, तो ये उसको समझ आ चुकी। थर्ड थिंग इज़ के जो पुराने टॉपर्स हैं, पुराने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कैसे मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करिए, तो उसको एक गाइडलाइन मानते हुए अपने सर पे अपने स्टडी को उसकी तरफ को ट्यूनिंग करने की कोशिश करें और अपने नोट्स उस टाइप के बनाने करें कि मेंस में लिमिटेड टाइम होता है, नॉलेज आपके पास एक चीज़ की हमने वहाँ पे नॉलेज रिफ्लेक्ट नहीं करनी कि नॉलेज भी दिखा देनी है, हमारे मेडिकल वगैरह में चल जाता है, बाकी फील्ड्स में चल जाता है, बट नॉट इन सिविल सर्विसेज, क्योंकि एक तो टाइम बेहद शॉर्ट होता है, आपको पेपर अटेम्प्ट करना है सपोज 20 क्वेश्चंस हैं तो आपको इतना गिना चुना टाइम मिलता है कि अगर आप एक क्वेश्चन में आधा मिनट ज़्यादा ले लेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्किप वन क्वेश्चन।
अच्छा। और अगर आपने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी इन द रेस। तो वो ये भी स्ट्रेटजी करनी होती थी, मुझे याद आज भी एथिक्स के पेपर के वक्त वो हमने स्ट्रेटजी पहले सोची हुई थी कि क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अच्छा। जब लास्ट भी 10 मिनट्स से उसने 4-5 क्वेश्चन उसको करने पड़े भैया, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो काम तो वही स्ट्रेटजी दिमाग में आई कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर लिखाओ। तो डोंट स्किप द क्वेश्चन फुली, आपको जो पता है जितने पॉइंट्स पता है जल्दी से उसको नोट डाउन कर दीजिए। बाकियों को आपने इतना अच्छा बना लिया, वेरी वेल एंड गुड, बट डोंट स्किप एनी क्वेश्चन कि आपका छोड़ दें आप, उसमें चॉइस नहीं है। वहाँ पे जैसे क्वेश्चंस टोटल 20 थे पर उनके सब पार्ट्स, जैसे इसने मॉक्स में तीन सब पार्ट्स ही थे एक क्वेश्चन के, उसमें 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिनके 4 सब पार्ट्स थे। अच्छा। ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़े तो नेचुरली फिर लास्ट में टाइम कम हो गया, तो वही फिर उनके पॉइंट्स जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि फिर फटाफट पॉइंट्स जरूर लिख दो। वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी कि हमें नॉलेज तो बहुत है, 100% है, लिखना तो वहाँ 10 ही है, तो वो कौन सा 10 लिखना है वो चीज़ मतलब पता। तो यहाँ एक मैसेज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अक्सर यही थोड़ी सी होती है कि हम प्रेस्क्राइब ना करें बच्चों को ऐसे करिए, बच्चों को गाइड करें कि वो एक्सप्लोर करें। जो मैं अपने बच्चे को कहता था, यू टेक योर ओनरशिप, आप अपनी ओनरशिप लीजिए बेटे, आपने करनी है कि नहीं करनी, नंबर वन। अच्छा। करनी है तो कैसे करनी है आप ढूंढिए, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा। मेरे बताने से बताओगे तो आप मेरे जैसे बन जाओगे, नहीं बनोगे। आप ढूंढो कि कैसे करना होता है, देन यू कॉल के क्या आपको हेल्प की क्या जरूरत है। सर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने बताया कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी रही कि कहीं भी एक सवाल में अगर आधा मिनट भी ज़्यादा लग गया तो, सर जैसे आपने कहा कि मेंस का पेपर अटेम्प्ट करा तो जैसे 20 क्वेश्चन आए, तो क्या आपने उसका पहले से अभ्यास करा गया कि हर सवाल कितने मिनट का देंगे आप, कितने मिनट में लिखेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और आई वुड लाइक टू आंसर इट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे फ्यूचर बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत। मैं ये नहीं कहता सर, मैं थोड़ा सा पहले अलग जाऊँगा कि मैं ये नहीं कहता कि इनसे बच्चों जो अभी बच्चे जीते हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं इनसे ज़्यादा मेहनत नहीं करी होगी और बच्चों ने। आई फुली नो कि इनसे ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे भी आज बाहर बैठे हैं। तो इसमें पहले तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन बच्चों को, उनके लिए गुड विशेज़ हैं और मैं भगवान से चाहूँगा कि वो भी इसमें एंटर कर पाएँ। तो उसमें गलती शायद यही होती है कि मेहनत तो हम कई बार बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं, जो मैं बात पहले कर रहा था कि स्ट्रेटजी पे कई बार हम थोड़ा मात खा जाते हैं। हमें पेपर की डिमांड, हमें यूपीएससी की डिमांड्स को पूरा करना ही है। वो उसके लिए वही बात कि अगर क्वेश्चंस उसका, एक तो उसका कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये पैटर्न रहेगा, यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल पैटर्न्स। यूपीएससी मींस अनसर्टेनिटी, तो आपको हर अनसर्टेन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो पेपर उसके लिए मॉक पेपर्स मैं बार बार मैं पहले अटेम्प्ट में भी बच्चे को कह रहा था, तब शायद उसके पास उतना टाइम नहीं था, उसकी मजबूरी थी, तो लेकिन सेकंड के वक्त उसने अपने मॉक पेपर्स बहुत दिए हैं, प्रीलिम्स के लिए भी वो और मेंस के लिए भी उसने मॉक पेपर बहुत लिखे हैं, एंड दैट टू इन द सेम कंडीशंस इन विच शी वुड हैव अपीयर्ड इन ए गवर्नमेंट स्कूल। शी यूज्ड टू गो इन वन स्कूल, शी वुड गो इन ए स्कूल, शी वुड सिट देयर फॉर 3 आवर्स, शी वुड सिट इन डिम लाइट, शी वुड सिट इन सिंपल फैन और विदाउट फैन, शी वुड क्लियर अटेम्प्ट हर पेपर इन दैट 3 आवर्स। अच्छा। टेक 1.5 आवर रेस्ट और 2 आवर रेस्ट, अगेन शी वुड अपीयर इन सी सेट पेपर। अच्छा। एंड फॉर मेंस आल्सो शी डिड द सेम, तो किसी उसने स्किप करने के मतलब टाइम को ओवर नहीं किया, तो शी वुड आस्क अस टू विजिट हर सो दैट वी कुड डिस्टर्ब हर, कि भी जैसे इनविजिलेटर बीच में आता है कि डिस्टर्बेंस होती है तो वो भी हो, तो डरने की बात ना रहे। ये पूरी युद्ध, ये पूरी युद्ध स्तर की तैयारी बता रहे हैं। मॉक्स होते थे तो जैसे वो जो उसने उन कंडीशंस में बैठ के दिए तब बहुत ठंड होती थी, यही मेंस थे 20 और 21 वाले मेंस जिनमें ठंड में हुई, वैसे वो हमेशा सितंबर में होते हैं मेंस, तो वो उसको जब उसने डाल के दिए कपड़े जितने ठंड में, तो तब उसको लिखने में पता चला कि यार बहुत ठंड लग रही थी मुझे तो अंदर, मुझे तो एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए डालने के लिए, फिर उसने अगले वाले मॉक्स दिए वो एक्स्ट्रा कपड़े डाल के कि वो वही वाले कपड़े उसने सेम वहाँ पे मेज में पहने कि इतनी ठंड है और इतने ही कपड़े चाहिए, नहीं तो वो वैसे ही चली जाती तो उसको ठंडी लगती रहनी थी वहाँ पे, तो वो चीज़ें भी काफ़ी थोड़ी थोड़ी मैटर करती हैं। और वहाँ पे वो टाइमिंग भी कि हाँ जी अगर मेरे सारे क्वेश्चंस करने में इतना टाइम में इतने क्वेश्चंस छूट गए हैं तो मतलब मुझे 10 मिनट कम पड़े, तो वो मुझे 10 मिनट टोटल पेपर में से निकाल लिया, वो मैंने कहाँ कहाँ फिट करने हैं, वो सब प्रैक्टिस से फिर टाइमिंग सेट हुई कि इतने क्वेश्चन को इतने ही मिनट लगने चाहिए। कई बार लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने एसी के कमरे में और एग्ज़ाम तैयारी कर लेते हैं, परंतु जब एक्चुअल ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ पे कई वेरिएबल्स, कई पैरामीटर्स काउंट करते हैं, जैसे सर ने बताया डिम लाइट, पंखा,
और यहाँ तक कि इन्विजिलेटर, सर्दी, मतलब ये सारे पैरामीटर्स। कई बार क्या होता है, मैं कई बार रेस की तैयारी कर रहा होता था तो मैं ट्रेडमिल पे करता था, परंतु जब डे आया रनिंग का तो मेरे को लगा ग्राउंड पे तो मैं भाग ही नहीं पा रहा था। परंतु सर ये जो बिल्कुल डिफरेंट है, कई यूपीएससी के विद्यार्थी कभी ये नहीं करते होंगे कि वो सच में सरकारी स्कूल में जाए। मेरे को लगता है सर ये कटिंग एज रहा होगा बिल्कुल कहीं ना कहीं, है ना? बिल्कुल रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको एथिक्स की बात का पेपर का बताया, जो इसने प्रैक्टिस करी थी अपने मॉक्स के वक्त, तो फ्रॉम देयर शी कुड नो कि भाई 10-15 मिनट एथिक्स के पेपर में ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसी हिसाब से शी मेंटेन्ड हर स्पीड कि लास्ट में 15 मिनट्स में उसने वॉच देखा कि मेरे तो 4 क्वेश्चंस पड़े हैं। तो आई थिंक अगर वो उसने मॉक्स ना दिए होते तो वो चीज़ आने नहीं था प्रोसेस, वो 4 क्वेश्चन उसने छोड़ा वो प्रोसेस होता ना, तो मॉक पेपर में ना लिखे होते तो फाइनल पेपर में शायद स्किप करना पड़ते, वो स्किप करने पड़ते तो आज इसको आइए स्किप करने पड़ते। अच्छा, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी। और ये मेरे बेटे ने उसको काफ़ी कहा कि ये तो ऐसे कर, ये उसकी हमारी भी थी पर उसकी काफ़ी थी सोच की, तो ऐसे दे के आ पेपर तब तू कर सकते, कटिंग एज वहाँ है। सर जब पहली बार डिसाइड करा मैम इन्होंने आईएएस की तैयारी करने के लिए, जब आप कह रहे थे कॉर्पोरेट में थी, तो उसने देखा मैं पब्लिक की तरफ ओरिएंटेड हूँ, सर्व करना चाहती हूँ, तो क्या सर अपनी जॉब की प्लेस से ही सर जैसे लोग करते हैं पार्ट टाइम तैयारी करते हैं वैसे करा, या सब छोड़ छाड़ के आ गई घर पे तैयारी करूंगी या हॉस्टल में रहूंगी? ये कैसे क्या करा? सर शी वाज ऑफर्ड, पहले उसने जेपी मॉर्गन, बहुत अच्छी कंपनी है बॉम्बे में, तो इंटर्नशिप उसको मिली, इंटर्नशिप करके वहाँ पे उसने एक्सप्लोर किया, क्योंकि तब देन शी हैड टू मेक द माइंड कि आइदर दिस वे और दैट वे। तो हालांकि शी डिड हर वर्क फुली देयर, ऐसा नहीं है कि उसने छोड़ दिया वहाँ पे काम, तो वहाँ पे उसने टाइम लिया, पार्टीज में ये सब कुछ किया, बट वहाँ से वापस जब वो आई इंटर्नशिप ख़त्म करके, आई टेल यू अगेन अ स्मॉल स्टोरी, मतलब शी लैंडेड बैक इन चंडीगढ़ इन फ्लाइट, तो फर्स्ट थिंग शी डिड वॉज कि पापा चलो चलें, आप कह रहे थे ना कि NCERT की बुक्स लेनी होती हैं, देयर इज अ राम बुक डिपो देयर, तो भी चलो जी राम बुक डिपो चलो, पहले कहीं और जाना था कि वो बुक्स लेके ही चलेंगे अब। अच्छा, मतलब शी मेड हर माइंड। तो ये मैं यही कहता हूँ कि आपको एक फुली मेहनत करके एक तरफ होके करना पड़ेगा, और उसके बाद उसने कॉलेज में भी अपने लास्ट ईयर में पढ़ाई करी, न्यूज़पेपर पढ़ा, तब से उसने वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे थी अपने क्लब्स में, तो उसको बहुत अच्छी पोजीशन मिली थी जैसे चेयरमैन या उसके कोई डायरेक्टर जनरल होते हैं, तो देन वी हैड अ डिस्कशन, तो मैं यही उसको सजेस्ट करता था बेटा कि या तो इधर आप बन जाओ अच्छा, या आप लाइफ में अच्छा बन जाओ। उस वक्त हार्ड लगा बट शी वेंट विद अस। सर एक डिसीजन क्या है कि आधे से ज़्यादा बच्चों की सर जो विफलता का कारण है ना, मैंने कई काफ़ी स्टूडेंट्स बात करते हैं, है ना, तो सर उनका आधे से ज़्यादा विफलता का कारण ये रहा कि सब्जेक्ट चूजिंग ही मेन प्रॉब्लम होती है। 3-3 अटेम्प्ट दे देते हैं लोग, बस सब्जेक्ट ही नहीं होता कि क्लियर कि कौन से करना है कौन से नहीं करना है। तो सर ये क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसे हुआ कि कौन से सब्जेक्ट से सर पहले करी उन्होंने, और वो क्लैरिटी कैसे बनाई? देखिए GS में तो इट्स amalgamation ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन वन, तो एक वन हैज़ टू चूज द ऑप्शन। जनरल साइंस कह रहे हैं, जनरल स्टडीज में तो सारे ऑल इन वन वो तो सबके लिए मैंडेटरी है, वन ऑप्शन यू हैव टू चूज। तो वो ऑप्शन हालांकि शी वॉज अ ग्रेजुएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सो कंप्यूटर साइंस वॉज नॉट अ सब्जेक्ट इन सिविल सर्विसेज, तो शी हैड टू चूज वन सब्जेक्ट। तो उस वक्त थोड़ी सी डिस्कशन ये हुई कि कौन सा सब्जेक्ट किया जाए, तो थोड़े जो उस वक्त के हमें भी जितनी नॉलेज होती थी सबसे गेन करी कि कोई मीडियम सब्जेक्ट हो, बहुत लंबा सिलेबस ना हो। द सेकेंड थिंग इज कि वो इंटरेस्ट का हो, बिकॉज आई टोल्ड उसका मेनली लोगों से इवन कॉलेज टाइम में भी वो स्लम्स में भी जाना, वहाँ हेल्प करनी, उसको शौक था अपने कॉलेज के बच्चों सबके साथ, उसकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, तो उसको लगा यार सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो मज़ा आएगा, सोसाइटी के करेंगे तो मज़ा भी आए, सिलेबस भी कम, और एक हमारे लोकल टीचर थे पटियाला में जिनको मेरे वन नोन थे मिस्टर विनोद शर्मा सर, मैंने एक बार उनसे बहुत पहले मैं जानता था कि वो सोशियो का थोड़ा अच्छा उन्होंने किया हुआ है, करा लेते हैं, तो आई टुक हर टू हिम कि भी एक बार इसको सिलेबस तो पता तो लगे क्या चीज़ है। तो शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट उसके बाद एक बार उसने सिलेबस थोड़ा से किया, बट उसके बाद शी डिड हर सेल्फ स्टडी, तो वो सेल्फ स्टडी में उसने जहाँ से भी रिसोर्स मिला वहाँ से भी हेल्प ली, और जो स्टैंडर्ड बुक्स पे उस पर रिलाई किया, मेहनत करी, तो वो चूज़ किया। तो सब्जेक्ट चूजिंग का मैं ये कहूँगा बंदे को थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा ये भी पैरामीटर के ज़्यादा लेंथी ना हो, थर्ड पैरामीटर के कुछ उसकी हेल्प GS या SA वाले में हो सके,
और फोर्थ यही है कि उसका मटेरियल आपको कहीं से ऑथेंटिक मटेरियल अवेलेबल हो। तो अगर ये चार क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को किया जा सकता है। और ये तो एक मिथ है कि फलाने सब्जेक्ट से बंदा कोई आ गया, किसी सब्जेक्ट से बंदा नहीं आया। तो इस बार भी मैं देख रहा हूँ तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत अच्छे आए, उन्होंने किए एक्ट हैं, आज भी मुझे दो बच्चे मिले हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कई बार कहते हैं जी नहीं इंग्लिश वाले निकलते हैं, हिंदी वाले नहीं निकलते हैं, तो दैट मिथ इज़ ब्रोकन। तो हर फील्ड के बच्चे आगे आ रहे हैं। प्रीलिम्स सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था क्या? प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अच्छा। बड़े अच्छे मार्जिन से वो रह गई, फेल। अच्छा। हुई तो, बट वो आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा, प्रीलिम्स नहीं हुआ था फिर उसको। सर कितने दिन घंटे कितने दिन में पढ़ाई करती थी? उसका ये होता था कि कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से तो जितना ज़्यादा पढ़ा जाए वो, तो एवरेज मैं उसको 10 आवर्स लेके चलता हूँ। 9 to 10 hours। अच्छा सर, क्या टाइम टेबल मेकिंग का भी एक क्वेश्चन है, क्या टाइम टेबल कैसे बनाया सर? टाइम टेबल ये था कि वो जो एक मॉर्निंग पर्सन है, थोड़ा हमेशा जल्दी उठ जाने का उसको अच्छा लगता है, शौक है। तो फर्स्ट हाफ में वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहती थी। जैसे अगर 5 बजे वो उठती थी या 4:45 इवन, तो वो 9-10 बजे तक तो उसने अपनी 2 सिटिंग्स पूरी कर लेनी होती थी। अच्छा। तो वो उसमें फर्स्ट सिटिंग के वक्त तो 3 घंटे की सिटिंग या 3.5 घंटे की सिटिंग में शी वुड नॉट मीट अस इवन। वो अगर हम मैं उसको कोई ग्रीन टी या कोई चीज़ देने भी चला जाता या कुछ, तो शी वुड नॉट टॉक टू मी, शी वुड नॉट सी मी, क्या डिस्ट्रैक्शन होगी, शी वुड नॉट आंसर एनी फ़ोन, शी वुड नॉट सी एनी मैसेज। तो वो 2.5-3 घंटे का तो पहले फुल उधरी कंसंट्रेशन से करती, फिर थोड़ी ब्रेक लेके फिर अगली बार फिर रीस्टडी। तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं इतने जिसको कि ये हमारा इंटरव्यू एक लिमिटेड है, तो गामनी एक बुक लिखने जाएगी शायद उसके मन में है या ब्लॉग, वो बड़ी डिटेल्ड में ये सारी स्ट्रेटजीज़ को आई हैव रिक्वेस्टेड हर, तो बड़ी डिटेल में उसको डील करेगी। उसने अपना सारा दिनचर्या कैसे कैसे करती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, कब जाती थी, वॉक के लिए जाती थी। और बच्चों को वैसा करना चाहिए कि अपना बनाना चाहिए, सब उसने लिखा है काफी। अच्छछा। हाँ, ये मतलब लिख रही है कि बच्चों की रिक्वेस्ट। तो टाइम टेबल तो मैं यही कहूँगा कि एक उसमें अगर ब्रॉड लाइन ली जाए, हर किसी को अपना देखना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेंथ मॉर्निंग में है कि नाइट में है। द थिंग इज कि फोकस्ड टाइम बंदा लगा सके, डिस्ट्रैक्शंस लीस्ट हों। रिस्ट्रिक्शन से मुझे याद आया कि गामनी ने तो 2 and 3 years इसने बिल्कुल सोशल मीडिया से कट ऑफ थी। अच्छा। एंड सेम वॉज बाई विद माई सेल्फ, तो मैं 2 साल से मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ था। तो बड़ी हम कहीं जाना आना भी हमारा बड़ा कर्टेल था। तो उस टाइप से मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अगर आपने सपोर्ट करनी है तो बच्चों के अकॉर्डिंग आप सपोर्ट करिए, ना कि हम उनको प्रेस्क्राइब करें। सर बिकॉज हम बातों में काफ़ी खो रहे हैं और मंत्रमुग्ध कहेंगे, क्योंकि सर मैं भी एक इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी, या मैं एक स्टूडेंट के तहत ये बातें मैम आप भी समझ सकते हैं मेडिकल्स, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी। आपने जैसे कहा कि गामनी विल समडे राइट इन डेप्थ इन डिटेल अबाउट द फूड एंड एवरीथिंग एल्स, तो सर ये सवाल है कि प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी में क्या फ़र्क रहता है? मेन सर जो मैं इस जर्नी में देख पाया हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस को अगर हम सेपरेट करके देखेंगे तो इट वुड बी लाइक सीइंग सोल एंड बॉडी डिफरेंटली। अच्छा। सोल इज वन, वो है आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी, तो वो एक तरीका है यूपीएससी का प्रीलिम्स में आपको टेस्ट करने का, और मेंस में उसी चीज़ को दूसरे एंगल से टेस्ट करने का। तो नॉलेज वही रहेगी, थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है कि थोड़ा सिलेबस दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो वो सिलेबस पता होना चाहिए। और एटलीस्ट 2 to 3 months पहले आके आपको प्रीलिम्स मोड में जाना होगा, तब आप मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह को स्किप कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि प्रीलिम्स के ओरिएंटेड ही आपको फिर क्वेश्चंस और वो फिर टाइम लिमिट्स में करना, मॉक पेपर्स उसी टाइप के क्वेश्चंस करना, अदरवाइज ये जो थ्रू आपकी प्रेपरेशन है प्रीलिम्स मेंस और इवन आई वुड से इंटरव्यू, वो सारी एक ही पैकेज में चलनी चाहिए, जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। पास आके थोड़ा मतलब पास आके आपको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी डिमांड ऑफ द पैटर्न ऑफ द पेपर, जैसे 2 या 3 महीने पहले आपको फिर प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर जाना है, फिर मेंस के आंसर राइटिंग आप स्किप कर सकते हैं,
बट नॉट आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की नहीं स्किप कर सकते, उसके मॉक को स्किप नहीं कर सकते, उसके टाइम शेड्यूल को स्किप नहीं कर सकते। इंटरव्यू की ग्रिलिंग की ट्रेनिंग कैसे दी सर आपने? नॉलेज वगैरह की तो दी होगी पर सर इंटरव्यू में जो प्रेशर और ग्रिलिंग होती है वो कैसे आपने ओवरकम? पहली बात तो मैंने कहीं उसको कोई नॉलेज नहीं दी, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि शी हैज़ एक्सप्लोर्ड इट, हमने उसके साथ हेल्प करी। और ये मैं यही कहूँगा बच्चा आईएएस वही बनेगा जो खुद एक्सप्लोर करेगा। नो बडी, नो टीचर, नो पेरेंट कैन मेक अ पर्सन बिकम एन आईएएस। यही यूपीएससी चाहता है कि वो खुद अपने आप क्या कर सकता है, तो उसमें अपनी क्वालिटीज़ को हम बिल्ड करने में जोर दें। तो मैं आपका क्वेश्चन मैं स्किप कर गया, क्या कह रहे थे आप लास्ट में? इंटरव्यू के लिए देखिए जो नॉलेज था वो इसके थ्रू उसकी बनती रही, थ्रू आउट उसने मेहनत करते रही। तो स्टार्ट वो साथ में अपने, हाँ ये था कि उसने कुछ मॉक इंटरव्यू यहाँ पे किए, कुछ मॉक इंटरव्यूज हमने अपने घर पे कंडक्ट किए। अच्छा, वी आस्क्ड हर टू सिट अगेंस्ट द टेबल लाइक दिस, वी यूज्ड टू सिट कि आप भी बैठ गए, मैं बैठ गया, मेरा ब्रदर, मेरा बेटा, तो और हम दोनों तो जरूर इसकी मम्मी को भी हम बिठा रहते थे, आप अपने हिसाब से पूछो। बन गया एक पैनल, बन गया तो पैनल, तो वी यूज टू ग्रिल हर। अच्छा, वहाँ पे हम ग्रिलिंग जरूर करते थे कि बोलो बेटा एकदम जल्दी से बताओ, अपना नाम बताओ, ये बताओ उसका मतलब क्या है, कहाँ से आए, क्यों है, ये क्यों किया, ये क्यों कर लिया। अब मेरे को थोड़ी न्यूज़ की आदत थी तो मैं उस तरफ के टॉपिक्स भी उसको डिस्कस कर लेते थे। तो खास करके हम जो कुछ मॉक इंटरव्यूज हम दिल्ली में अपीयर हुए तो देन वी डिसाइडेड कि वो चीज़ हम घर पे भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद लास्ट 10 डेज शी डिडंट अपीयर इन एनी मॉक इंटरव्यू। एक तो फ्रेशनेस रखनी थी, एक हमने अपने पॉइंट्स फिर बनाए थे कि भी हम ये पॉइंट्स मेनली पे रखेंगे। तो वही बात है कि बच्चे को ग्रिलिंग से डरने तब आता है जब उसको नॉलेज ना हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड ना हो। बाकी फिर प्रैक्टिस, अगर किसी को बच्चे को थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है तो वो बोलने की प्रैक्टिस करें, वो हो जाता है। हमने कहा था कि पहले ही फैक्ट में भी उसका काफ़ी था कि वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती रहती थी, तो उसका इंटरव्यू की पर्सनैलिटी उस टाइप की काफ़ी पहले थी। बाकी थोड़ा बच्चे डरते हैं ग्रिलिंग से, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें दिलाना पड़ता है कि नहीं अगर आप नहीं कर सकते बाकी हों, जैसे ही आपको बढ़िया हो आप बोलोगे कुछ नहीं है आपके हाथ में, नेगेटिव कुछ नहीं है, जो भी करके आओगे पॉजिटिव ही होगा। आपका हो ही रखा है, थोड़े नंबरों की इंटरव्यू आप आराम से करते हो। मैं इसको कोरिलेट करूँगा सर, जो मैंने पहले एक बार बोला था कि आपने फिफ्थ की बात करी थी कि फिफ्थ से बच्चे को आईएएस बनाने, तो आई यूज़ टू डू के बच्चे को कोकुलर एक्टिविटीज़ में मैं प्रमोट करता था। उस वक्त खेलते भी थे बच्चे, और उसके वक्त जब ये कोई डिबेट्स होनी या कोई स्पीचेस होनी तो आई यूज़ टू प्रमोट देम, तो वो तब डरते होते हैं बच्चे, वो एक राइट टाइम उनको कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने हैं। मैं उनको बच्चों को क्या कहता था, मैं दोनों बच्चों को कि आप घबराते क्यों, आपने जाके अगर बोला कोई आपकी टांग थोड़ी तोड़ देगा, आपने घबराना क्या, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट वॉज राइट। तो ये मैं कह रहा हूँ शुरू से बच्चे को थोड़ा 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 करके अगर प्रमोट हम करेंगे, नॉट थिंकिंग के भी हमें आईएएस बनाना है, ये देखिए अगर ना भी हो तो भी उसने अच्छा बनना है। मैम फूड और डाइट के ऊपर क्या रोल है, क्योंकि कई बार ये ना हो कि मैम कहीं सुबह सुबह मम्मी पढ़ने के टाइम पे आगे समोसे और चाय दे दे और फिर हम खा के सो जाएं, है ना, फिर होली तैयारी, फिर कब कितने साल निकल गए पता ही नहीं चला और पेट निकल गया वो अलग, तो मैम क्या रोल रहा? फूड एंड डाइट के बारे में ना गामिनी वाज वेरी पर्टिकुलर, वो ऐसे नहीं थी कि कुछ भी चीज़ किसी भी टाइम खा ले, उसका सब कुछ स्पेसिफिक होता था कि इतने बजे फ्रूट्स खाने हैं, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे टी लेनी है, और वो एक्स्ट्रा मतलब टाइम पे कुछ खाएगी नहीं, मतलब उसको उतने बजे फ्रूट कटे वो मिलने चाहिए, मिलते थे ड्राई फ्रूट्स उतने टाइम पे, उतने पे ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर में जो सिर्फ दाल खानी है वो ही खानी है, उसको एक्स्ट्रा खाती नहीं थी, सिर्फ 15 दिन बाद हफ्ते बाद कोई एक दिन चीट डे होता था। अच्छा, तो आपने ऐसा नहीं सुबह सुबह पूड़ियां तल दी भाई? She was very particular, खुद ही। मैं फिर वही बात ले आता हूँ कि अगर बच्चा खुद चाहे कि वो प्रेस्क्राइब करे कि नहीं भाई ये मेरे को नुकसान करेगी, मैं सो जाऊँगा या फिर मेरे को ये एफिशिएंसी नहीं होगी, मैसेज डाल देती थी इतने बजे ये खाना है ये बना देना, तो हम वही बनाते थे, हम वो इसके लिए अलग ही बनता था ब्रेकफास्ट। ओके, हाँ, तो वो कभी भी वो नहीं करती थी, अलग ब्रेकफास्ट बनता था चाहे जैसे भी, मतलब वो वही चीज़ ही खाती थी जो सोचती थी। गामिनी वेलकम ऑन आवर शो, we are just wanting to ask you because you know we are very proud of your father and mother, right? And you know how I met sir and ma'am both from my medical fraternity, it was a very miraculous moment for me and a life changing moment for me, because in these small incidents of life, you know, life changes and we never look back. So what I'm going to ask you since you are over here is that
आईएएस बच्चों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए परीक्षा में, वो जो गलतियाँ करते हैं, क्योंकि कई बार तीन तीन चार चार अटेम्प्ट हो जाते हैं उनके और तुम्हें पता ही नहीं चलता। बट सिंस बिकॉज यू आर अ प्राउड रैंक थ्री होल्डर एंड यू हैव मेड नॉट ओनली योर पेरेंट्स प्राउड बट एवरीबडी हु नोज यू प्राउड, तो ऐसी क्या गलती है जो नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल द वार्म विशेस एंड एक्सक्यूज मी फॉर द थ्रोट, बट आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई थिंक जो गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए वो ये है कि बिना अपना प्रॉपरली डिसाइड किए इस एग्ज़ाम को परस्यू करने लग जाना। समटाइम्स वी जस्ट स्टार्ट परस्यूइंग फॉर द सेक ऑफ इट, तो जब तक यू आर नॉट क्लियर दैट व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड द गिविंग द एग्ज़ाम, यू कैन नॉट सस्टेन अ जर्नी विच इज़ सो लेंदी एंड सो रिस्की एज UPSC. Second mistake which the people do is that they start studying without understanding the demand of the preparation. So you need to understand the demand of all the three stages, and that you will understand from the previous year questions and analyzing the syllabus really well. Third mistake that the aspirants tend to do is that they do not attempt a lot of mock papers. So they do not get an idea of what they are going to face in the examination hall. And fourth, since my parents are sitting here, I would say is the mistake is that they do not respect their elders a lot and they feel that they know everything. So I think the well wishes and the support of the parents is so huge in a journey like this, because even the friends and your well wishes will start moving away when you are not achieving something, but only the parents stand by you. So having their good wishes along is very important. Sir, प्री और मेंस का तो मैं कह नहीं सकता क्लियर कैसे हुए, पर इंटरव्यू तो क्लियर होना ही था। आई कैन सी दिस। इन दी लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ सर कि कभी ये सोचा था कि अगर, बिकॉज एक नेगेटिव साइड भी आपने कहा रिस्की है ना, तो क्या अगर नहीं होता फिर क्या, मतलब कितना डिसहार्टनिंग होता? कभी ये सोचा था कि मेरा नहीं होगा फिर क्या होगा? डिसहार्टनिंग तो ऑब्वियसली एक बारी के लिए होता, बट आई हैड नोन कि मैंने बहुत ऑनेस्टली प्रिपेयर किया था, तो एटलीस्ट अगर ऑनेस्ट प्रिपरेशन है तो मतलब यू थॉरो विद द कॉन्सेप्ट्स एंड थॉरो विद द नॉलेज दैट यू हैव पुट, सो दैट डिड नॉट ट्रबल मी अ लॉट, क्योंकि मुझे पता था अगर ये नहीं तो कुछ और अच्छा कर लेंगे, बिकॉज सर्विस की भावना के लिए सिर्फ UPSC एक इकलौता माध्यम नहीं है, तो और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसमें आप कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर मैं कहूँ कि डर नहीं लगता था तो वो गलत होगा, डर हर किसी को लगता है जब आप अपना इतना एफर्ट डालते हैं, और वो डर कि उसका आपको रिजल्ट तभी नहीं मिलेगा और कितना लेट मिलेगा, तो वो एक डर बना रहता है, बट बैकअप जो होता है वो आपकी सिंसियर प्रिपरेशन ही आपका बैकअप है, और वो आगे जाके जहाँ आपको काम आएगी आप रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे कि कैसे काम आ सकती है। विज्ञापन देखने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि थम्स अप को अपना अगला ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है, डर के आगे जीत है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दामिनी थैंक यू, मैम सो मच थैंक यू, थैंक यू सर। इट्स रियली अ ऑनर टू स्पीक टू यू बिकॉज यू आर अ वेरी वाइज एंड वेरी पोलाइट एंड सिंपैथेटिक पर्सन, एंड यू नो आई हैव हाई रिगार्ड फॉर यू, एंड मेरा अपॉर्चुनिटी कि मैम मैं आपसे मिला आज। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड मे यू मेक द कंट्री मोर प्राउड और देश का नाम गौरव हो। जैसे आप जैसे बच्चे मेहनत करके आएंगे तो और हमारी जो सर्विसेज हैं जिस पे इतने सारे सवाल और लांछन उठते रहते हैं वो और प्योर हो। थैंक यू टू, आपका इतना अच्छा मोटिव है, यू आर ब्रिंगिंग दिस नॉलेज टू सो मेनी पर्सन्स एंड यू हैव क्रिएटेड डन अ फेवर टू अस ऑल्सो, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्टेड अ प्लेटफॉर्म टू कन्वे द पेरेंट्स कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ टीम बना के। तो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक ऑल एस्पिरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। मैं डॉक्टर मियान के बारे में इतना ही और बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने हमारी हेल्प उस टाइम की थी जब इनको ये नहीं पता था कि हमारी बेटी UPSC क्लियर करेगी कि नहीं। इन्होंने हमारे साथ डीलिंग उस टाइम भी बहुत अच्छी की थी, और हमें जब हम बाहर से थे तब भी हमें बहुत अच्छा डील करते, हमें ट्रीटमेंट के बारे में एक्सरसाइज सारा बहुत अच्छा बताया भी था, और डीलिंग भी इनकी बहुत अच्छी थी। So we appreciate that and thank you. मैम ने इतने प्यार से बोला, पर मैम ने मेरे को 15 मिनट कम दिए, मैं बताना चाहता हूँ। नहीं नहीं मैम, I understand, thank you so much once again, ma'am, thank you so much. Thank you.